आज ही हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीरीज का ट्यूटोरियल 5 होने वाला है और आज की इस वाले ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि हम एक स्प्लैश स्क्रीन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं कोटलिन को यूज करते हुए। अगर आप जावा को यूज करते हुए एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां पे जाकर के सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन किया हुआ है और एक न्यू मदरसा नाम से मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पहले से ही बनाया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्प्लैश स्क्रीन होती क्या है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये डिवाइस है। अगर मैं यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ, कुछ देर के लिए आपने देखा होगा गूगल प्ले स्टोर का लोगो, तो ये यहाँ पे कुछ देर के लिए जो लोगो आया था जिस स्क्रीन पर, उस स्क्रीन को कहते हैं हम स्प्लैश स्क्रीन। आप उसको इंट्रो स्क्रीन कह सकते हैं, वेलकम स्क्रीन कह सकते हैं। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि स्प्लैश स्क्रीन होती क्या है। अब हम जान लेते हैं कि इस स्प्लैश स्क्रीन को क्रिएट कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको क्लोज करूंगा और मैं आऊंगा कोटलिन प्लस जावा और यहाँ पे पैकेज नेम पे मैं राइट क्लिक करूंगा न्यू और मैं यहाँ पे एक्टिविटी और एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं इस एक्टिविटी को नाम दूंगा स्प्लैश एक्टिविटी और यहाँ पे सी को मैं स्मॉल करूंगा स्प्लैश एक्टिविटी और यहाँ पे मैं चूज करूंगा कोटलिन को क्योंकि हम कोटलिन में सीखने वाले हैं और मैं सिंपल क्लिक करूंगा यहाँ पे फिनिश पे। तो जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए एक्टिविटी स्प्लैश डॉट एक्सएमएल नाम से एक और फाइल आ जाएगी और स्प्लैश एक्टिविटी डॉट केटी नाम से यहाँ पे एक और फाइल आ जाएगी। तो सिंपल एक्टिविटी स्प्लैश में हम अपना डिजाइन करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, सिंपल एक न्यू मदरसा का जो लोगो है उसको यहाँ पे लगाएंगे बीच में और फिर उसके बाद ये जो एक्टिविटी एमेंडेड एग्जाम्पल है इसको ओपन करवा देंगे। तो देखिए यहाँ पे लोगो को लगाने के लिए आपको यूज करना होगा इमेज व्यू को और लोगो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास लोगो है और इसको एंड्रॉइड स्टूडियो में यूज करने के लिए आप यहाँ पे दो तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं इसका ये जो पाथ है इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे देखिए इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा और इंपोर्ट ड्रॉबल्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपना पाथ को मैं यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा और यहाँ पे देखिए मुझे मिल जाएगा लोगो डॉट पीएनजी। मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखिए वो लोगो आ चुका है। आप यहाँ से देखिए इसका जो टाइप है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पे इसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगेन आपको यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख पाएंगे वो लोगो यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करेंगे या फिर आप इस पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो ये लोगो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आने लगेगा। आप यहाँ से इसकी जो हाइट और विड्थ है उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ 100 dp और इसी तरीके से मैं नीचे भी करता हूँ 100 dp, ये लोगो आ जाएगा। मैं इसको करता हूँ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इनपेरेंट। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे ये यहाँ पे आ चुका है सेंटर में। इसके अलावा यहाँ पे देखिए लोगों को इंपोर्ट करने का या फिर लोगों को एंड्रॉइड स्टूडियो में लाने का एक और प्रोसेस होता है। आपको आना होगा प्रोजेक्ट पे, आपको ओपन करना है रिसोर्सेज को और आपको आना होगा ड्रॉएबल में। यहाँ पे देखिए आपको मिला होगा यही लोगो डॉट पीएनजी। अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यही लोगो आपको यहाँ पे ओपन होकर के मिल जाता है। देखिए आप यहाँ पे इसको इस तरीके से मिला सकते हैं। आप यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करेंगे या फिर कॉपी या फिर आप यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर सकते हैं या राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं इसको। अगेन आप यहाँ पे आएंगे और ड्रॉएबल पे क्लिक करके कंट्रोल वी कर सकते हैं या फिर पेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं राइट क्लिक करके। इसका नाम चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, आप बाकी यहाँ पे ओके पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि ये लोगो डॉट पीएनजी नाम से ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक फाइल पहले से ही एग्जिस्ट है। अगर आप उसको ओवरराइट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर इसको आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लोगो हम दूसरे वे से लेकर आ गए थे तो इसलिए अगर सेम वे से सेम नेम के साथ हम लाना चाहते हैं तो नहीं ला पाएंगे, हमें चाहे तो ओवरराइट करना होगा या फिर स्किप करना होगा। तो चलिए दूसरा तरीका भी अब आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, आप इसको और सजा सकते हैं, नीचे आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, आप यानी कि जो भी करना चाहे स्प्लैश स्क्रीन के डिजाइन में वो आप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं सिंपल आऊंगा यहाँ पे स्प्लैश एक्टिविटी डॉट केटी के अंदर और मैं आऊंगा यहाँ पे ऑन क्रिएट के अंदर। यहाँ पे आकर के देखिए आपको बस सिंपल सा कोड लिखना है। आपको यहाँ पे टाइप करना होगा हैंडलर, इसके बाद आपको लगाना है ब्रैकेट और यहाँ पे आपको सिंपल टाइप करना है बॉस डिलेड और इसके अंदर आप एक ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हैं। आपको देखिए क्या करना होगा, ये जो लास्ट वाला ब्रैकेट है आपको यहाँ पे कोमा लगाना है और जितनी भी सेकंड का आप यहाँ पे डिले देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 सेकंड का डिले देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 2000 मैंने इसलिए टाइप किया क्योंकि जो हम यहाँ पे डिले देते हैं वो देते हैं मिली सेकंड में और 1000 मिली सेकंड बराबर होती है 1 सेकंड के, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2000 किया तो इसका मतलब हुआ कि 2 सेकंड। इसके बाद आप यहाँ पे अपना कोड टाइप कर सकते हैं ऊपर यहाँ पे आकर के। तो मैं यहाँ पे देखिए सिंपल करना क्या चाहता हूँ कि जब भी यानी कि 2 सेकंड हो जाए तो ये जो हमारी मेन एक्टिविटी है ये यहाँ पे ओपन होकर के आ जाए। तो नई स्क्रीन को ओपन करवाने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे इंटेंट को, आप उसको यूज कर सकते हैं या फिर अगर आप यहाँ पे एक लाइन में इस कोड को लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपल यूज करना होगा स्टार्ट एक्टिविटी और उसके अंदर आपको यूज करना है इंटेंट को और उसके बाद हम यहाँ पे पास करेंगे कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट पास करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल दिस टाइप करूंगा, आप लगाएंगे कोमा,
देखिए दिस के साथ आप यहाँ पे एट द रेट लगा के ये जो आपकी एक्टिविटी है यानी कि स्पेलिश एक्टिविटी, आप यहाँ पे इसका नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे कोमा लगाएंगे और जिस एक्टिविटी में आपको जाना है आप यहाँ पे उस एक्टिविटी का नाम लिखेंगे। तो मैं जाना चाहता हूँ मेन एक्टिविटी में, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा मेन एक्टिविटी, उसके बाद कोलन कोलन क्लास डॉट जावा। बस इतना सारे काम आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद आपको आना है अगेन प्रोजेक्ट में, आपको आना है मैनिफेस्ट के अंदर, और यहाँ पे जब आप मैनिफेस्ट पे डबल क्लिक करेंगे आपको एक फाइल ओपन होकर के मिल जाएगी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे आपको एक सिंपल सा काम करना है। देखिए यहाँ पे ये जो इंटेंट फिल्टर है, इंटेंट फिल्टर आपको उस एक्टिविटी के अंदर रखना है जिस एक्टिविटी को जब एप्लीकेशन रन होता है आप सबसे पहले ओपन करवाना चाहते हैं या फिर आप सबसे पहले रन करवाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो इंटेंट फिल्टर है ये अभी है मेन एक्टिविटी के अंदर, यानी कि अगर आप अभी एप्लीकेशन को रन कर दे तो ये मेन एक्टिविटी जो है वो सबसे पहले रन होकर के आएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि स्प्लैश स्क्रीन पहले नंबर पे ओपन हो, यानी स्प्लैश एक्टिविटी पहले नंबर पे ओपन हो, तो इसके लिए हमें ये जो इंटेंट फिल्टर है इसको डालना होगा स्प्लैश एक्टिविटी में। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके और यहाँ से कट करके स्प्लैश एक्टिविटी के अंदर डाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से मेन एक्टिविटी की जगह टाइप कर देंगे स्प्लैश एक्टिविटी और स्प्लैश एक्टिविटी की जगह हम टाइप कर सकते हैं मेन एक्टिविटी। इतना सिंपल काम करने से अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्प्लैश एक्टिविटी के अंदर आ चुका है ये इंटेंट फिल्टर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप एप्लीकेशन को रन करेंगे तो सबसे पहले रन होने वाली जो एक्टिविटी होगी वो होगी स्प्लैश एक्टिविटी। तो चलिए एक बार हम एप्लीकेशन को रन करके चेक कर लेते हैं कि ठीक से काम भी कर रहा है या फिर नहीं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन रन हो चुका है और यहाँ पे हेलो वर्ड आ चुका है। तो मैं एक बार आपको अगेन एप्लीकेशन को रन करके चेक करवा देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन रन हुआ और कुछ देर के लिए देखिए ये लोगो शो हुआ और उसके बाद हमारी मेन एक्टिविटी यहाँ पे ओपन होकर के आ गई है। अगर देखिए मैं यहाँ पे बैक प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगेन वही स्क्रीन आ गई है। और अगर मैं आऊँ यहाँ पे प्ले स्टोर पे, अगर मैं यहाँ पे बैक प्रेस करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वो स्क्रीन दोबारा से नहीं आई बल्कि प्ले स्टोर ही क्लोज हो गया। तो इस काम को करने के लिए आपको सिंपल सी बस यहाँ पे एक चीज यूज करनी है, मैं थोड़ा सा कोड का साइज बड़ा करता हूँ। आपको बस सिंपल यहाँ पे टाइप करना है फिनिश, बस इतना ही काम था। अब अगर आप एप्लीकेशन को अगेन रन करके चेक करोगे तो आप वहां पे देख पाओगे कि दोबारा से वो स्क्रीन ओपन नहीं होने वाली, यानी कि स्प्लैश स्क्रीन। देखिए अगर मैं बैक प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो चुका है, यानी कि दोबारा से स्प्लैश स्क्रीन हमारे सामने नहीं आई। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या क्या किया है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। अगेन यहाँ पे देखिए हमने एक स्प्लैश एक्टिविटी के नाम से एक और एक्टिविटी क्रिएट करी, उसमें हमने एक लोगो को लिया, लोगो को यहाँ पे इंपोर्ट करने के हमने दो तरीके जाने। उसके बाद हम आए स्प्लैश एक्टिविटी डॉट केटी के अंदर, यहाँ पे हमने एक सिंपल कोड लिखा हैंडलर को यूज करते हुए, हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे स्विच कर दिया और यहाँ पे हमने डिले भी दे दिया जितनी सेकंड का हमें डिले देना था। उसके बाद हम आए थे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में, यहाँ पे हमने इंटेंट फिल्टर को उस एक्टिविटी के अंदर डाला जिस एक्टिविटी को हम सबसे पहले ओपन करवाना चाहते हैं और वो एक्टिविटी है स्प्लैश एक्टिविटी, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्प्लैश एक्टिविटी को राइट कर लिया है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने जाना कि हम स्प्लैश एक्टिविटी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा ट्यूटोरियल आपको काफी पसंद आया होगा।